सबको मेरा सलाम है। होम मेकअप ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कोई भी पहली बार मैं जानकर देख रहा है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का काम दबाइए। मैं जो भी वीडियो रखें आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। आज का वीडियो का टॉपिक है मैं बेडरूम क्लीनिंग करूँ, कितना गड़ीस है, कितना कचरा है, सबको बताते हैं। देखो सब क्लीन करके सब साफ करके फिर से पकी से बेडशीट बिछा कर पूरा क्लीन करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले स्टार्ट करने से काम शुरू करने से पहले मेरे बेडरूम का दरवाजा यहाँ से स्टार्टिंग होता है बेडरूम का। देखिए पहले कैसा था कि मैं आपका पूरा पूरा कैसा है कि मैं आपको बता दें। देखो कितना कचरा है, कितना गलीस है, कितना सो फैला हुआ है। मैं पूरा बेडरूम का पूरा एक लुक बता दूँ। देखिए कैसा है पहले कैसा है, बाद में क्लीन करे खुद कैसा था मैं सब भी आपको बता दूँ। देखो कितना कचरा है, कितना गलीस है, पलंग के ऊपर कितना कितना सामान है, पलंग के नीचे कितना सामान है, क्लीन करके सब करके मैं आपको बता दूँ। पहले ऐसा है, देखो आप क्लीन करना स्टार्ट करो। हाँ क्लीन करे खुद कैसा रहता है आपको बता दें। देखो यहाँ सिर्फ देखने के थोड़ी देर का जरी देर का है वीडियो, लेकिन करने के मुझे 3-4 घंटे लगे। देखो यहाँ पर कितना गली कितना कचरा है, सो भटा को पलंग के नीचे इतना ज़्यादा से ज़्यादा भर चुका है कचरा। पलंग का बेड, पलंग के ऊपर का बेड निकाला नहीं, चकला भी पलंग के ऊपर का चकला भी निकाला नहीं, पलंग भी उठा कर रखो। मैं आपको कडेंगे पलंग है, कडेंगे पलंग भी उठा कर रखो, ठहरा करके मैं आपको बता दें। देखो इसके नीचे तब वाह कितना कचरा है, वेस्ट कचरा है, कचरा वेस्ट कचरा, काम को नहीं आते सब डब्बे है, कपड़ों के डब्बे है, बूटांग के कपड़े है, बूटांग के डब्बे है, मिक्सी का डब्बा है, ये सब फेंक दारो। देखो सब साइड को रखो, बेकार चीज़ें वेस्ट चीज़ें सब फेंक दारो। देखो बूटांग का डब्बा है, ये सब कपड़ों के डब्बे है, देखो कपड़ों के डब्बे, कपड़े लाए से डब्बे है, सब पलंग के नीचे ढकल कर छर डाले हमारे बच्चे। ये देखिए पूरे निकाल को सब करके आपको क्या कितना कचरा निकले। देखो इतना कचरा निकले, इतना कचरा निकले, कचरे से भर गए रूम। देखो पूरा फैला हुआ सब नया पलंग उठा कर रखा कैसा दिख रहा है, कपड़े है पलंग के नीचे, वेस्ट प्लास्टिक के सामान है, प्लास्टिक के डब्बे है, काम को नहीं आते सो है, सैडंग मुलायम में सो बुझ है, नीचे बुझ है। देखो सैडंग पलंग है, ये पुरानी फिटी है, ये सब बेकार चीजें सब काम को नहीं आते से सीजन सब निकाल कर सब सेट करके मैं आपको बता दें। देखो कैसा फैला हुआ रूम है, सीधा करने के बाद पूरा सेट करने के बाद पकीजा क्लीन करने के बाद कितना अच्छा दिखता है। मेरे को कितना कचरा कचरा था सब बेडरूम क्लीन हो चुकी थी, सुकून से सोने को आराम है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसे क्लीन करने के बाद बहुत सुकून मिला, बहुत तसल्ली मिली दिल को। देखो अब क्लीन कर रहे हैं, देखो ये कपड़ों के डब्बे, बूटा के डब्बे, काम ना जैसे डब्बे सो वेस्ट डब्बे, ये मिक्सी का डब्बा है सो ये भी फेंक दे रहा हूँ। ये डब्बे पूरे बाज रख रहा हूँ, कचरा पूजा बाज कचरा पूरा बाज रख डाल कर डब्बे पूरे सब साइड को रखो सब फेंक दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर पूरा साइड को रख सब क्या क्या फेंक रहे हैं, सब दिखा रहा हूँ, सब निकाल रहा हूँ। ये देखे डब्बे पूरे बाजे रखे हैं सब फेंक डाल, कचरा है कचरा पूरा फेंक डाल का, इसमें सौदे है सब गसरे सौदे है सब पूरे सौदे है जरे सौदे बच्चे सब रखे सो है सब सब निकाल डाल का आपको मैं बता दूँ। देखो यहाँ पर सौदे पूरे निकाल डाल का, उसे उस सौदे का एक थैला बचा है, सॉरी सौदे का एक थैला भरा हुआ रखो है, टब्बा खा ले, ये ब्लू टब्बू तुड़ चुका है, ब्लू टब्बू फेंक डालो मैं, ये भी काम को नहीं आता। ये चावला, ये चावला का थैला है, ये चावल लंगा थैले पूरे एक साइड को करते हैं। ये भी कपड़ा पुराने कपड़े वेस्ट कपड़े फट गए सा कपड़े, वो भी फेंक रहा हूँ, कपड़े वेस्ट कपड़े फट गए सा कपड़े, पलंग नीचे प्लास्टिक के काम को नहीं आते सब बाजू बरतने सब फेंक डालेंगे, डब्बे है कचरा है सब है। ये नए चप्पला है, देखो मैं रखी सब चप्पला थैल में रख रख दे रहा हूँ। ये देखो डस्टबिन, नए डस्टबिन यूज़ करी ना, अब निकाल लेते हैं, मैं पलंग नीचे रखी थी नहीं यूज़ करी थी, अब निकाल लेकर यूज़ कर लेकर बरत लेता हूँ। नए डस्टबिन अभी है लागू बहुत दिन आया था, उसे निकाली नहीं थी, अब यूज करते निकाल कर सीधे पाया कीजिए करके साफ करके बाजे रख डालो। ये सब सब काम को नहीं आते सब भी जैसे डस्टबिन एक बाकी टैंक रख लो कम के सो वेस्ट फेंक डालने के जो डब्बे काम को नहीं आते सब भी येलो कलर के डब्बे में से टब में कैसे सब भी वेस्ट काम के नहीं आते सब वो सब साइड को हटा डाल को पहले कचरा जाना शुरू करूँ। देखो
कचरा तो कितना कचरा है, इतना कचरा कचरे से भर चुका है। झाड़ने के बाद पलंग भी बुझ है, पलंग भी बुझ है, सभी झाड़ डालो, क्लीन करो, साफ़ कर डालो। देखो साफ करने के बाद मैं आपको बता दूँ, क्लीन करो के फ्रिज हटा डाल को, बीरवा भी हटा को, सब क्लीन करके साफ करके बता दूँ। देखो बीरवे के नीचे कितना है, और सब झाड़ चुके हैं। उसके नीचे वो येलो कलर का कपिया का हुआ थैली है, और ज़रूरत की चीज़ है तो मैं बीरवे के नीचे छंदे कर रखूँ। मैं ये कचरा कितना कचरा निकला, देखो फ्रिज हटा डाल के फ्रिज के पर का बुट्टी भी है सब, वो भी बाजू रख दा दूँ। वो भी इसमें बेकार चीज़ें हैं, वो सब बेकार चीज़ें, काम गुनाते चीज़ें, वेस्ट चीज़ें, सब फेंक डाल कर सब क्लीन करके साफ करके रख दा दूँ। इतना कचरा निकला है, इतना कचरा निकला है, देखो वो बुट्टी भी हटा डाली, वो भी बेकार चीज़ें टूट गई, वो भी फेंक डालना क्या चीज़ें हैं, कपड़े है फेंक डालेंगे, कपड़े पुराने कपड़े फट गए, सब कपड़े सब फेंक डाल रहा हूँ। ये पुराने प्लास्टिक के ख़राब हो चुके से सामना है, सब फेंक डाल रहे हैं। देखो ये पलंग पर का चकला था तो मोटा चकला है, बिछे से उसके ऊपर भी बूझ है तो कचरा धूल है तो वो भी क्लीन करो। देखो बूझ इसके ऊपर भी बूझ है, जाला है, क्लीन करो कचरा। देखो कितना कचरा था, कितना कचरा पड़ा है, ये भी क्लीन करके सब साफ करके, ये भी क्लीन साफ करके कचरे का पहले कचरा पूरा का हटा डाल कर दरवाजे के सामने हटा डाल कर बेडरूम में से दरवाजे के सामने लेकर जा सको। फिर से एक टाइम झाड़ू पक्की जाए ता झाड़े तो भी कचरा कचरा दिखता है, बोलकर दो तीन टाइम झाड़ के क्लीन करके सैडांग हटा डाल कर देखो साफ करके पूरा कचरा दरवाजे के सामने उधर साइड बिहार में ढकर रूँ कचरा में, बेडरूम में से कचरा हाल में ढकर रूँ। देखो आपको बता दूँ कि देखिए कितना कचरा है, बाबा भाई वे सब वे कितना थैला भर चुका, एक बड़ा थैला भर जाता इतने कचरे से, इतना बे इतना गली से पलंग के नीचे उसका बसहारा तो उसमें काकरोच है सब आती करेंगे। वो कब से बोले थे दी कल कर चुकी हूँ मैं, कल कर डाले खुद क्लीन हो चुका, कितना अच्छा दिख रहा, बहुत अच्छा दिख रहा। ये देखो क्या क्या फेंक दाना, क्या क्या देखे वेस्ट डब्बे, वेस्ट डब्बे के पलंग नीचे निकले से वेस्ट बेकार चीज़ें, वेस्ट काम होने आता सब सब फेंक डालने के, ये फेंक लूँ इसी का डब्बा फेंक लूँ, डब्बा फेंक जा रहा हूँ, कपड़े के है इसमें डब्बे, इसमें बूटा के डब्बे है सब फेंक जा रहे हैं। देखो सौदे है, सौदे का थैला बोली थी ना, देखो सौदे का थैला बच्चे सब थोड़े सौदे है, ये सब सौदे सौदे का थैला निकले सब डब्बा टब में रखती थी, और टब टूट चुका है। अब टब ये चावला है, देखो ये चावला का थैला है, ये सब बेकार फट चुके से कपड़े दूसरे को दे दा कचरे में डस्टबिन वाले के दादा लेकर कर रख डालना। ये देखो कितना साफ हो, कितना पकी जाए दिख रहा है। देखो फिर से झाड़ मेरे को कचरा उठाने के बाद फिर से एक टाइम झाड़ेंगे, वो पलंग के ऊपर भी, पलंग के ऊपर भी, पलंग के नीचे सब साइडों को मूलें को कुचलें को फिर से एक टाइम झाड़ू। देखे कचरा सब हटा डाल को ढका डालने के बाद सिर्फ बेडरूम में झाड़े तक क्या कचरा नहीं, देखो इतना पकीज है, इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा दिख रहा, बहुत क्लीन दिख रहा, बहुत साफ दिख रहा। क्लीन करने के बाद कैसा था, अब कैसा, फिर से झाड़ झाड़ को मूल पूरा कचरा पूरा हाल में ढकल चुकी हूँ, हाल में ढकल चुकी हूँ, क्लीन कर हाल में ढकल डालने के बाद वहाँ से पूरा साफ कर डालने को उधर से उधर क्लीन करके वहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ बेडरूम में देखो मैं सब क्लीन कर डालू, और सिलामी पोचिंग है कि सिलामी गली से है पकी जे जाए भी, लेकिन कचरा सा झाड़े खुद कपड़े से पहुँचे थे कैली से पलंग के नीचे जम गया चिगे ढाता कचरा है सो सब हता वो को मैं बैठ कर नीचे बैठ कर क्लीन करूँ। मैं सिलना पहुँचे से माप ले कर नहीं पहुँच रही मैं, ये देखिए पलंग का डेंग के पलंग भी मूले में साइड मूले सब क्लीन करके साफ करके पहुँच रही हूँ। देखो पूरा पोच कर साफ करके लगा लगा कर पहुँचे तो पक्की जे सिलना कि देखते कितना अच्छा दिख रहा, इतना अच्छा दिख रहा। ये मेरे बुरके का कलर दो कलर दिख रहा है ना, कलर शायद ये उससे दिख रहा बहुत अच्छा। देखो ये बंडे पोज पूरा पोजार बेडरूम ए टू जेड क्लीन हो चुकी है, बहुत साफ कर चुके, बहुत पकी जा हो चुका है। ये देखिए पूरा पोज आ रहा हूँ, फिर से एक टाइम पोज हूँ वहाँ से मूल है तक कचरा भी नहीं, देखो कचरा भी उधर ढकल चुकी हूँ मैं, वो साइड निकाल डाल कर तो पकी जा साफ करके पोज डालने के बाद मैं आपसे बता दूँ। देखो पूरा हो चुका है, फिर से एक टाइम डबल पोज रूम है, फिर से एक टाइम पोचिंग है पकी जा दिखना पकी जाता होगा, फिर से एक टाइम पोच रूम देखे पकी जा करके साफ करके मैं आपको बताती हूँ।
पकीजा फिर से एक टाइम दोबारा दो टाइम पोच रूम है क्योंकि गली से अच्छा था पकीजा पोचे तो अच्छा था पकीजा फिर से एक टाइम का फिर से एक टाइम लगड़ लगड़ को पोच रूम देखो यहाँ पर पकीजा है वोकर है कि नहीं कि सब दिखता है नहीं कि मैं सीधा है सब सीधा बैठने से सब पकीजा साफ करते सब क्लीन करना सब साफ करना साफ हो चुका है क्लीन हो चुका है पूरा ए टू जेड क्लीन करके साफ करके पोच को रख डाले देखो यहाँ पर पूरा साइड को मूले में कुचले में ऐसे पोच से फ्रिज के ऊपर भी जरा क्लिप कपड़ा लेकर कच्चे कपड़े से पोच डालूँ क्लीन कर डालूँ सब क्लीन हो चुका है सब साफ हो चुका है कितना अच्छा दिख रहा है देखो बेडरूम क्लीन करने के बाद साफ करने के बाद कैसा था घुड़ू था सब घुड़ बोलती ना कैसा था से कितना पकीजा दिख रहा होगा मैं फैन डाल कर रख तो कितना तसल्ली दिखा क्लीन करने के बाद मेहनत लगी तो लगी लेकिन काम तो अच्छा है काम तो पकीजा हो चुका है बेडरूम क्लीन हो चुकी होगा दिल को तसल्ली सुकून मिला भी है पुरानी फेटी है तो इसे भी इसके ऊपर भी जरा धूल जम चुकी है तो भी कच्चे कपड़े से ये भी पोच को क्लीन करके ये भी साफ करके रख डालती हूँ देखो मैं आपको बताता हूँ ये भी पूरा साइड आंगो मूल आंगो पूरा नीचे पर सब क्लीन करके साफ करके बाजू हटा डालूँ हटा डालने के बाद देखो मैं यहाँ पर पलंग बिछा कर आपको बताती हूँ देखे मैं देखो पलंग बिछा डालूँ इसके ऊपर बेड बिछा डालूँ या इसके ऊपर बेडशीट बिछा कर आपको पूरा सेट करके दिखाता हूँ देखो सेट करने के बाद कितना अच्छा दिखता है बेडरूम पहले कैसा था अब सेट करने के बाद कैसा है सब उसका बारे में पूरा फिर से बताता हूँ पूरा कैसा था पहले कैसा था अब कैसा था पूरा चेंज करके आपको बताती हूँ देखे यहाँ पर बेड बेडशीट बिछा रहा हूँ बड़ी बेडशीट बहुत अच्छे बेडशीट फूलों की अच्छे देखो बेडशीट यहाँ से देखो स्टार्टिंग पास से आप शुरू से बता रहे मैं देखो पकीजा कितना पकीजा है देखो बेडरूम यहाँ पर देखिए सब निकाल डाल के इसके नीचे भी देखिए क्लीन कितना कचरा था साइड को ये भी कितना अच्छा देखिए वॉल स्टिकर में इसका वॉल स्टिकर का वीडियो रखो ना कितना अच्छा दिख रहा है देखो वीडियो को लगाए तो बहुत अच्छा दिख रहा है इसके पर्दे की रोशनी में आकर स्टिकर का बहुत अच्छा दिख रहा है देखो यहाँ पर देखो पूरा ये साइड का एक पर्स है छोटी पर्स है बच्चे की ये देखो यहाँ पूरा पर्दा ये पर्दे अच्छे पर्स में लगाई थी सेट चेंज न करी ये देखिए मूला में सब पकीजा भूज झाड़ चुकी पूरा पकीजा उसका क्लीन कर डालेंगे बस साफ कर डाल का बेडरूम का एक लुक चेंज का बहुत अच्छा है बहुत पकीजा देखा मैं कितना अच्छा दिख रहा है बहुत सुकून मिला क्लीन करे तो मेहनत लगे तो मेहनत पड़े तो पड़े लेकिन अब बेडरूम क्लीन हो चुकी वो का दिल को चैसा ले अभी ऐसे जे रोज एक करने का मैं अभी घर में बहुत कर क्लीन करने का है कल क्लीन करते हो कैसे क्लीन करे कैसे क्लीन करते हो वो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बताती रखती रहूँगी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए आपको सपोर्ट ऐसे ही रहना अच्छे 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 वीडियो ला पूरा क्लीन हो चुका है मैं इधर से ये साइड से दिखाई थी अब ये साइड से देखो वैसे भी निकाल कर ऐसा पूरा सेट करके फिर से बताऊंगी कि मूला में इधर सीधा नहीं था फिर से सीधा करने के बाद फिर से बिछा रहा ये देखें यहाँ पर कितना अच्छा दिख रहा है कितना पकीजा दिख रहा है देखो फूला भी येलो कलर के बेडशीट पर रेड कलर के फूला कितना अच्छा दिख रहा है कॉम्बिनेशन बेडशीट सुपर है देखो इसके साथ ये पिंक बेडशीट छोटी बेडशीट ये भी सेट को बिछा डाल रहे हैं देखो बहुत अच्छी दिख रही है अभी पिंक कलर की ये देखिए मैं पूरा सेट कर डालने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है मेरे को तो बहुत अच्छा दिख रहा है आपको कैसा लगा आपको कैसे क्लीन करे सर कैसा है क्लीन करने के बाद कैसा है ज़रूर से कमेंट करके आप मुझे बताइए सपोर्ट कीजिए लाइक कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए आप शेयर करने से मेरे को दूसरे भी जने देखते मेरे को सपोर्ट मिलेगा लाइक करिए ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आपका सपोर्ट ऐसे तो अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं देखिए कितना अच्छा दिख रहा है देखो पहले कैसा थी बेडरूम कितनी गली से आपको बताई थी कितना कचरा था अब कैसा है देखो आपको बताते नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाय हाफिज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।